अबे फ्रैंकलिन के बच्चे बाहर निकल, साले घर में छुप के बैठा है। अबे तू बाहर आता कि मैं अंदर आऊं, बाहर निकल साले फ्रैंकलिन। अबे कौन है बे जो मेरे घर के सामने मेरे को धमकी दे रहा है? इसकी भैंस की। अबे लाला भाई साहब, आप यहाँ पर सैल्यूट। लाला भाई कैसे हो? अबे साले सैल्यूट मेरे छोड़, पहले तो ये बता कि मेरे पैसे कब दे रहा है। कौन से पैसे? कैसे पैसे? बताऊं क्या कौन से पैसे और कैसे पैसे? नहीं, मेरे को याद आ गया। हाँ, अरे मैंने कहा था कि 2-3 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगा। कहा तो था, लेकिन वो पैसे मुझे अभी क्या बिछी है, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुम मेरे को पैसे नहीं ला कर दे तो फिर बोल मैं तेरे को गोली से उड़ा दूं क्या? अरे नहीं, लाला भाई क्या कर रहे हो यार? मैंने तो कहा था कि 2 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा, अब तो अभी मांगने के लिए चले आ गए। कहा तो था, लेकिन क्या करे, कब किसको पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो पैसे मुझे आज क्या चाहिए, नहीं तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूं क्या? अरे लाला भाई क्या कर रहे हो यार? मेरे को थोड़ा सा टाइम तो दो यार, तब तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। चल ठीक है, मैं तेरे को 10 दिन का टाइम देता हूँ और मेरे पैसे मेरे को 10 दिन में वापस चाहिए। सिर्फ 10 दिन? अच्छा, लगता तेरे को मैंने बहुत टाइम दे दिया है। चल तेरे को मैं सिर्फ 5 दिन देता हूँ। क्या 5 दिन? अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। चल तेरे को सिर्फ 2 दिन दिया। अरे बस करो लाला भाई, बस करो यार, 2 दिन बहुत है मेरे लिए, 2 दिन बहुत है। मैं तुम्हारे 2 दिन पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब मुझे छोड़ दो प्लीज। चल ठीक है, याद रख रहे ना, मैं 2 दिन वापस इधर ही आऊंगा और इसी टाइम पर, और मेरे को बैग के पैसे रेडी चाहिए, और याद है ना मुझे कितने पैसे देने हैं। और हाँ फ्रैंकलिन, अगर 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं ये तेरा घर छीन लूंगा तुझसे, और तू रोड पे बैठ के भीख मांगेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे नहीं, अरे नहीं लाला भाई, नहीं लाला भाई, मैं आपको 2 दिन पैसे ला कर दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपको 2 दिन पैसे आपको ला कर दे दूंगा। चलो 2 दिन बाद मिलते हैं, अगर 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं किया तो फिर समझ लेना रोड पे बैठ के भीख मांगेगा। चलो फंटस लोग चलते हैं, 2 दिन बाद आते हैं। अरे यार अब मैं क्या करूँ, साले को मैं 10 लाख रुपए 2 दिन में कैसे ला कर दूंगा? मैं तो भाई इतना गरीब हूँ कि भाई इसको 10 साल में 10 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा यार। अब तो भाई कोई दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए इसको 2 दिन में चाहिए कैसे ला कर दूँ। अरे हाँ, माइकल लेना यार, माइकल किस काम आएगा? माइकल तो मेरा दोस्त है, मैं उससे 10 लाख रुपए तो यूँ मांग लूँगा। मेरे को तो भाई ऐसे दे देगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। चलो अपने पास एक भाई जुगाड़ तो आ चुका है, अगर माइकल पैसे नहीं दिया फिर भाई सोचेंगे क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए अपन चलते हैं, मस्त भाई सोते हैं, फिर सुबह सुबह जाएंगे भाई माइकल के घर पे और उससे पैसे लेंगे, और साले उस लाला के मुंह पे फेंक के मारूंगा, ये ले भाई तेरे 10 लाख रुपए। समझता क्या भाई तुम्हारा भाई को है, गरीब समझा क्या, अमीर है भाई। चलो गो सोते हैं, गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं सुबह सुबह। लेटर दैट नाइट। क्या हुआ, कुछ पता चला मेरी बेटी के बारे में? हाँ सर, मैंने पता लगा लिया है आपकी बेटी को किसने किडनैप किया है। अबे तब यहाँ पर क्या कर रहे, फटाफट आर्मी टैंक गोली बारूद जो चाहिए वो लेकर जाओ और फटाफट मेरी बेटी को बचाओ। अरे सर रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो पहले। अरे अब क्या हुआ, जब पता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, जाको से बचाओ ना, यहाँ पर क्या करो तुम लोग। अरे सर रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, अगर मैं आर्मी टैंक ये सब ले जाऊंगा तो इससे आपकी बेटी को जान का खतरा हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टकलिया सिंह मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, समझ गया तू? सर मैं वही तो कब से बोल रहा हूँ, अगर हम लोग सामने से अटैक करेंगे तो इससे आपकी बेटी की जान का खतरा बढ़ सकता है। इससे अच्छा हम लोग दूसरा प्लान यूज करते हैं जिससे आपकी बेटी बच जाए और उन्हें पता भी ना लगे। मैं नहीं जानता, तुम चाहो जो करो, लेकिन हाँ 2 दिन में मेरी बेटी मेरे सामने चाहिए, नहीं तो टकलिया सिंह मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, ये बात याद रखे रहना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, या तो तुम मेरी बेटी को बचा कर लेकर आओ या तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। चलो जाओ यहाँ से। लगता है बुड्ढा साला पगला गया है, बोलता है कि 2 दिन में मेरी बेटी ला कर दो। कहाँ से ला कर दूँ, पापा की परी है क्या जो पकड़ के दे दूँ इसे मैं? बुड्ढे को पता नहीं है इसकी बेटी जिसके पास किडनैप है बड़े खतरनाक लोग है। पहली बार पंगा लिया था वो दर्द आज भी याद है, दूसरी बार पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, जान का खतरा है। अगर 2 दिन में उसकी बेटी ना ला कर दूँ वो मुझे नौकरी से निकाल देगा और उसके बाद बीवी घर से निकाल देगी। करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ।
कुछ तो सोच टकला सिंह, कुछ तो सोच। अरे हाँ, एक बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है। पुलिस? माइकल के घर के पास पुलिस क्या कर रही है? एक मिनट भाई, चल के पहले पूछते हैं, माइकल के पास पुलिस क्या कर रही है? एक मिनट रुको रुको, ये तो भाई टकलिया सिंह है। टकलिया सिंह यहाँ पर क्या कर रहा है माइकल के घर के पास? हेलो टकला सिंह, यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे? हाँ, वो माइकल से कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मैं तो माइकल से मिलने आया था, पर यहाँ पे माइकल है नहीं। क्या माइकल यहाँ पर नहीं है? अरे नहीं यार, अब तो मेरे हाथ से मेरा घर भी चला जाएगा। मैं कहाँ पर रहूँगा, क्या करूँगा? लगता है मेरे को भाई अब रोड पे बैठ के भीख मांगना ही पड़ेगा। क्या हुआ फ्रैंकलिन, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लगता है कोई परेशानी है। तू अपनी परेशानी बता सकते हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। क्या बताऊँ टकला सिंह, मैंने एक दो महीने पहले किसी से पैसे उधार लिए थे और मैंने उसको कहा था कि मैं उसको 4-5 महीने पैसे लौटा दूँगा, लेकिन वो कल मेरे घर पे आकर मुझे धमकी देकर गया है, अगर मैं उसके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो वो मुझे घर से निकाल देगा, मेरा घर में कब्जा कर लेगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस बस इतनी छोटी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में टकला सिंह? हाँ मैं ही तेरी मदद करूंगा, उससे पहले मेरा एक काम कर देना। हाँ कौन सा काम है मुझे बताओ, मैं काम करता हूँ तुम्हारा। प्रेसिडेंट की बेटी को बचाना पड़ेगा, तू ये कर सकता है क्या? तेरे अंदर इतना दम है? देख ले, तू सोच समझ के फैसला कर ले। तुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। देख भाई प्लीज़ मना मत करना। हाँ मैं कर लूँगा। प्रेसिडेंट की बेटी को बल्लाज गैंग ने किडनैप किया है। प्रेसिडेंट की बेटी को माउंट चिल्लाट के पीछे जो अड्डा है वहाँ पे किडनैप किया हुआ है। बस इतनी सी बात, अब भी मैं उसकी बेटी को लेकर आता हूँ बचाकर। तुम्हें ये ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे प्रेसिडेंट की बेटी को चोट भी ना लगे और उन्हें भनक भी ना लगे। तब तो इसके लिए एक प्लान चाहिए होगा जिससे हम उसकी बेटी को बचा पाए और उन्हें पता भी ना चले। देख फ्रैंकलिन, ये मेरी नौकरी का सवाल है, तुझे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। चलो यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ और मेरे सामने ये रहा बल्लास गैंग का अड्डा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितने सारे भाई बंदे खड़े हैं। अगर सच में यहाँ पर भाई कोई पुलिस अटैक करेगी ना, हो सकता है इसके अंदर प्रेसिडेंट की बेटी की जान चली जाए, इसलिए यहाँ पर मुझे बुलाया गया भाई इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस बंदे को मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ वो बंदा मुझे अभी तक यहाँ पर दिखा नहीं है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर और इंतज़ार करता हूँ। ओए लड़के, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान से मारी जाएगी। तो ओए टकले सुन, मेरा कुछ काम बाकी है, मैं उसे पूरा करके आ रहा हूँ। तब तक इस लड़के के ऊपर नजर रखना, ये भागने ना पाए, नहीं तो तुम लोग के खैर नहीं, समझ गए ना? यस बॉस, आप टेंशन मत लो। अबे ओए गांधी जी के 3 बंदर, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? बॉस हम लोग ऊपर से नजर रख रहे हैं, अगर ऊपर से किसी ने अटैक किया तो हम लोग को पता चल जाएगा। पता नहीं मेरे गैंग में ऐसे नमूने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे यार एक बज चुके हैं लेकिन अभी तक वो बंदा मुझे नहीं दिख रहा है। टकला सिंह के खबरी ने कहा था कि वो 1 बजे तक आ जाता है लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको, सामने यहाँ पर एक बंदा भाई चल के आ रहा है। और देखो यहाँ पर जितने भी सारे बंदे हैं ना, सबका भाई ड्रेस कोड वाइट है, लेकिन इस बंदे का यहाँ पर ड्रेस थोड़ा अलग है, तो मुझे लग रहा है यही भाई ये सबका लीडर है, इसी का तो इंतजार था मुझे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा प्लान ए। वहाँ पर कोई तो है, मुझे एक बार चल के देखना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर दुश्मन का बंदा तो नहीं है। अबे नहीं 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 यार, उसने मेरे को देख लिया, पक्का उसने मेरे को देख लिया। अगर मैं यहाँ पर छुपूंगा वो तो भाई मेरे को देख लेगा, मेरे को कहीं छुपना पड़ेगा, मेरे को कहीं छुपना पड़ेगा ताकि वो मेरे को देख ना पाए। हाँ इस घास के अंदर छुप जाता हूँ, वो मेरे को पक्का नहीं देख पाएगा। अबे नहीं नहीं नहीं, लगता उसने मेरे को देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं तो गया बेटा भाई। फ्रैंकलिन तू तो गया। कहाँ गया? मैंने उसे यहीं पर देखा था घिरते हुए, यहीं पर कहीं होगा, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार।
और ये गया। चल इसकी बहन की आँख। चलो ये मैंने इसे मार के कर दिया प्योर। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। ये मुझे देख के मेरे पीछे जरूर आएगा और मेरा काम हो चुका। अब स्टार्ट होगा प्लान बी। बोल जल्दी बोल, तूने प्रेसिडेंट की बेटी को क्यों किडनैप किया है? मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मुझसे सिर्फ कहा गया था उसे किडनैप करने के लिए और मैंने सिर्फ वही किया है। बता किसने किडनैप करने के लिए बोला था उसको? हमारे बॉस ने। मुझे नहीं मालूम है मेरा बॉस कौन है। क्या? हाँ सर, मुझे सिर्फ कॉल पे बताया गया था कि मुझे यह काम करना है और मैंने सिर्फ वही किया है। तुम लोग प्रेसिडेंट की बेटी के साथ क्या करना चाहते हो? सर ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग को कहा गया था कल रात को उसे यहाँ से शिफ्ट करना है ताकि हम लोग उसे यहाँ से नॉर्थ यंटन भेज सके। अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान। लेकिन सर अब आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्लान स्टार्ट हो चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर आ जाओ। ए, ये कौन है? मैं तू हूँ। तो मैं कौन हूँ? तू है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको रुको रुको, मैं हूँ, तू मैं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? अरे बाबा कहाँ ना, तू है मैं तू हूँ। अरे बाबा ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या लगा हमारा प्लान तुम्हें पकड़ना था? तुम गलत सोच रहे हो, हमारा प्लान तो कुछ और ही था। हाँ बच्चों अब तुम्हारी जगह ये जाएगा, अब हमारा प्लान स्टार्ट होता है। लेट्स नाउ। बॉस 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 बॉस। अबे क्या हुआ, चला गया रे बॉस? कल रात से आप कहाँ पर गए थे? अरे कहा था ना कुछ काम से बाहर गया था। बॉस आपकी आवाज कुछ बदली बदली नहीं लग रही है। लगता है इन्हें पकड़ा गया। क्या हुआ बॉस, कुछ बोलो। अरे नहीं वो बस थोड़ा गला सा बैठा हुआ ना, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। अच्छा वो सब छोड़, यहाँ पर सब ठीक है कि नहीं? कुछ नहीं ठीक है बॉस, कब से बड़े बॉस का कॉल आ रहा था और आपको पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया कि वो बाहर गए हैं, जैसे आएंगे आपको कॉल करने को बोलूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ बॉस। अबे बॉस के बच्चे, तेरे को मैंने जो काम बोला था तूने वो किया क्या? कौन सा काम बॉस? अबे भूल गया क्या, हमें उस लड़की को आज पहुँचाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अबे चुप कर। तू मेरे को चुप करने के लिए बोल रहा है? नहीं बॉस, आपको मैं नहीं बोल रहा, उस लड़की को बोल रहा था, कब से रोए जा रही थी। आप टेंशन मतलब बॉस, आज अब तक आपका सारा काम हो जाएगा। तुझसे यही उम्मीद है और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ जाना। हाँ बॉस, कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। वे सुन, जो काम मैंने बोला था वो काम हो गया? हाँ बॉस, सारा इंतजाम कर दिया है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना? हाँ बॉस। बॉस बन के कितना मजा आ रहा है। बॉस सारा काम हो चुका है, गाड़ी आ चुकी है, मैंने गाड़ी के अंदर लड़की को रख दिया है और उसको अच्छे से पैक भी कर दिया, किसी और को पता भी नहीं चलेगा इस गाड़ी में कोई लड़की है। बहुत अच्छी बात है, तो इसको पूरा पैक कर दो, टाइम होते हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ओके बॉस। चलो टकले को मैंने बेहोश कर दिया, अब फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और ये खबर बॉस को देता हूँ। बॉस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है। रास्ता
अबे मुन्ना इधर आ। अरे बॉस आप यहाँ पर? पहले ये बता लड़की कहाँ पर है? लड़की तो आपके साथ गई ना। अबे तुम लोग गधे हो क्या सब के सब? तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाते? वो मैं नहीं, वो कोई और था जो मेरा शकल लेकर आया था सेम टू सेम। बॉस हमें क्या मालूम। अच्छा ये बता वो लोग कब निकले यहाँ से? थोड़ी देर पहले। बॉस बॉस वो लोग के कार में जीपीएस लगा हुआ है, मैं उसका लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर पुलिस कभी भी आती होगी। रुक। क्या हुआ बॉस? एक काम कर, यहाँ से घुमाकर इस वाले रास्ते से लेकर चल। लेकिन बॉस हम लोग सामने जाना है। जो मैं बोलता हूँ वही कर, समझा क्या? बॉस ये वाला रास्ता कुछ सही नहीं लग रहा है। तू बस गाड़ी चला। क्या हुआ? लगता है बॉस गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, एक बार चेक करना पड़ेगा उतर के। ओ तेरी तो बॉस, गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और इसे रिपेयर करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है तो टायर रिपेयर कर, तब तक मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर कोई है तो नहीं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये ले। चलो इसको मैंने ठिकाने पे लगा दिया है, अब टकला सिंह को बुलाते हैं। टकलिया सिंह यहाँ से मेरे को सीधा जाना है। सर हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी करना है हमें फटाफट करना होगा, तक मैं बोलो को ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो? वे सुनो गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, उसे रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तब तक तुम लोग भी बाहर आ जाओ। बॉस आप ये क्या कर रहे हो? आप हम लोग को मार क्यों रहे हो और आप पुलिस के साथ कब मिल गए? बेटा मैं तेरा बॉस नहीं हूँ, समझ गया? प्लीज हम लोग को छोड़ दो, हम लोग ने क्या किया? प्लीज हम लोग को छोड़ दो, जाने दो हम लोग को प्लीज। यहाँ से गाड़ी ये साइड गई है, बस थोड़ा सा दूर और बाकी है, हमको फटाफट पहुँचना पड़ेगा। बस यहाँ से लेफ्ट लेना है और मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। टकलिया सिंह वो लोग को पता चल चुका होगा, तो हमें यहाँ से फटाफट निकलना है, गाड़ी कहाँ पर है? हेलो मैडम, अब हमने आपको बचा लिया है, आप ठीक तो है ना? अब फटाफट हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि गैंग वाले कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। चलो 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 फटाफट करो टकलिया सिंह, फटाफट करो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन लोग से आने से पहले मैं यहाँ से लोगों को निकलना पड़ेगा, जल्दी करो फटाफट, सब लोग गाड़ी में आकर बैठो, यहाँ से निकलते फटाफट। रुको 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 एक मिनट, लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, यहाँ पर एक गाड़ी है, ये वही गाड़ी है। ड्राइवर कहाँ पर गया? ड्राइवर ओ नहीं शिट, नहीं नहीं ओ डैम इट, वो लोग लड़के को यहाँ से बचा कर लेकर गए। मुझे बॉस को कॉल करके बताना पड़ेगा। हेलो बॉस, वो लोग लड़की को यहाँ से बचा कर लेकर चले गए। क्या? तेरे को मैंने एक काम ढंग से दिया था, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं बॉस, मैं आपसे वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो समझ ले तेरी मौत मेरे हाथों होने वाली है, समझ गया?
अच्छा हुआ उसने कॉल करके हमें पहले ही बता दिया था, नहीं तो आज हम लोग पकड़े जाते थे और सही टाइम पे हम लोग वहाँ से भाग चुके हैं। एक बार बस तुम लोग मुझे मिल जाओ के बाद मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ।